क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। इंग्लिश बोलना कितना मुश्किल है, क्या करूं। आइए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियाज लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, 300 से अधिक शहरों में अमेरिकन ऑफर करता है फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप कोर्सेज बाय डॉक्टर ओपी लांबा, साइंटिस्ट इन USA। अब इंग्लिश आपकी जुबान पे अमेरिकन। देखते हैं बस 10 दिन के बच्चों के, देखते हैं कि क्या है। और चलिए आइए देखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो पहले हम मैम आपका नाम लेना चाहेंगे। माय नेम इज नेहा गुप्ता, आई एम फ्रॉम रोहतक जौनपुर। आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट आफ्टर बिफोर वन वीक। आई स्पीक समथिंग अबाउट अमेरिकन इंस्टीट्यूट बिकॉज आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट आफ्टर बिफोर वन वीक। American Institute is the best institute of English language in Jaunpur because I inspired this to join this. I joined this institute because I am very weak in speak English and I am also weak in to read English because I complete my high school and enter from UP board. So I am very weak to read English. So I joined this institute. After joining this institute, I feel that it is very good institute because this institute improve my English language and improve my English English language, and this institute give me the most give me a great opportunity. Thank you so much, ma'am. So I want to see you. Sir, अब यहाँ मेरे को इन बारे में कुछ बताएंगे सर, क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे? So when I got mission in American, so I was there in Oregon and there was pay better. So for much I got mission for and so it's helped me the Mr. Ishan Tiwari and Mr. Ravi Tiwari. And also got the speaker. So one is just a matter head works myself or so it's taught me how to make myself here, and the same is Dan Mary the seniors as game as my power for the how to learn in speaking here. So I got Miss Barry and the song is just well. As I think around it's American, it is very nice near there is and Miss Barry and it's Dan here. So thank you so much, sir. Thank you. आप लोग का एडमिशन लेना है तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ 3 मंथ्स का कोर्स होता है। थ्री मंथ्स का जो कोर्स होता है ये बेसिक एडवांस बेस्ड होता है। तो आप लोग पढ़ाई में क्या करते हैं? सर हम लोग बारह पास हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या आप लोग जो है इंग्लिश पढ़ लेते हैं? चलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए थोड़ा पढ़िए। हाँ देखिए डी लिखा है, देखो हम पढ़ लिए डी लिखा है, डी है ना सर? देखिए डी लिखा है ना जी, डी लिखा है। तो पहले भाई साहब इसको सीधा पकड़िए, ठीक है ना? इसको इस तरह से कर पकड़िए और अब पढ़िए। सर ये नहीं पढ़ पाएगा, इसे नहीं पढ़ना आता है सर, सच में कुछ नहीं आता। अमृत बिन रहे थे, जाके पढ़ाई हो रहा था इंटरनेट से। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अगर आप लोग को आता होगा तो यहाँ क्यों आते हैं? आप सीखने के लिए आए हैं और हमारा मेन मोटो होता है आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना, ठीक है? बताना चाहेंगे जो हमारा कोर्स होता है वो 3 मंथ्स का होता है। आपने अमेरिकन नाम तो हर जगह सुना होगा। 3 मंथ्स में आपको हम लोग डिसिप्लिन मैनर के साथ पूरी गारंटी के साथ इंग्लिश सिखाएंगे। रीडिंग राइटिंग सब कुछ होगा हमारे यहाँ, आपको सब कुछ सिखाएंगे। बेसिक एडवांस इंग्लिश होगी, 3 मंथ्स का कोर्स होगा। 3 मंथ्स के जो कोर्स होते हैं इसमें इंटरव्यू स्किल, सेमिनार, डिबेट, प्रेजेंटेशन हम लोग सब कुछ सिखाते हैं। 3 मंथ्स में अगर आप सीख जाते हैं तो ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको हम एक कार्ड देते हैं, इसको बोलते हैं मेंबरशिप कार्ड। दिस इज मेंबरशिप कार्ड
और ये जो लाइफ टाइम के लिए यानी आजीवन फ्री लाइफ टाइम आप इसे लेके कहीं पे भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी 850 ब्रांचेस रन कर रही हैं। इसका जो हेड ऑफिस आपका मेरठ में है, मेरठ का नाम सुना होगा आप लोगों ने? फॉर्म हो गया? चलिए फॉर्म अगर हो गया है तो आप लोग जो है आपका एडमिशन हो गया। आप लोग कल से जो है मॉर्निंग में 7 to 9 बैच बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट है। सात से नौ न्यू बैच स्टार्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अरे भैया बिल्कुल गारंटी के साथ आ जाएगी। मतलब मंच पे आके आपको जो है अपने बारे में बताना होगा। हम लोग वहाँ पे रहेंगे। जी बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ माइक, माइक की मदद से जो है आज आप लोग जो है अपने बारे में बताएंगे और कुछ आपके जो फ्रेंड्स इतने बैठे हुए हैं सब भी बोलेंगे, ठीक है ना? तो आज आप लोगों का फर्स्ट डे है तो आप लोग रेडी हैं? हाँ बिल्कुल, सब बोलेंगे। आपको अगर देखना है, अगर आप आजमाना चाहते हैं तो कहीं किसी को बुला के दिखाएं। पोडियम क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल आवर फर्स्ट परफॉर्मर, सो प्लीज गिव द बिग हैंड फॉर मिस्टर आकाश। हे, आप थोड़ा शांत रहिए प्लीज, आराम से आराम से। Thanks for calling me, sir. Good afternoon, honorable sir, my seniors and all my dear friends. I'm Adarsh Kushwaha from Bangers Colony. Today I'm here to present my topic, tower system. So let's start. First of all, I'm saying about dowry. What is dowry? Dowry basically, you know, the cash, jewelry, furnitures, and other dangles items given by bride fathers to bridegroom parents on the eventual of marriage is known as dowry. It has been present in India since many centuries and now become a big care for all the people. Dowry, it means 5 meter of word, but consists a huge group of that people who are not financially able to fulfill the demand of dowry. It has been following in India since. Thank you. से यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, आप लोग को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, अगर आप इस तरह उदास बैठे रहें कैसे काम चलेगा? बी कॉन्फिडेंट, जो भी आए आपको यहाँ पे बोलना है, गलत सही जो भी बोलना है, ठीक है ना? और मैं पूरी आप लोग को उम्मीद दिलाता हूँ कि 3 months में आप एक अच्छी इंग्लिश बोलेंगे पूरी गारंटी के साथ, ठीक है ना? इसलिए मायूस ना हो और मायूस होके ना बैठें, क्योंकि आप अगर उदास होके बैठेंगे तो सब उदास हो जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए पॉजिटिव एनर्जी रखिए। सो आई एम गोइंग टू कॉल मिस्टर दानिश। थैंक यू। प्लीज माय नेम दानिश खान, मेरे फ्रेंड का नाम तालिब और अमित, और धरिन नाम का होते राज, राज हाँ, इसे घर वाले राज का। थोड़ा स्ट्रेट कर, सीधे कर दे, पीछे आइए, आराम से बोलिए और कोशिश करिए कि हिंदी का प्रयोग ना करें, अगर करें तो खड़ी हिंदी का प्रयोग करें, भोजपुरी का प्रयोग ना करें। सर अभी तो कल ही तो ज्वाइन किए हैं, कोशिश करिए, कोशिश करिए। सर कैसे बोले समझ नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे ट्राई तो करिए। कैसे सर ट्राई किए आप बताइए एक बार।
जैसे कि आपको अपना नाम बताना है, ठीक है? नाम कैसे बताएंगे आप? माई नेम इज, अच्छा माई नेम इज, आपका नाम जो भी दानिश। और कहाँ रहने वाले हैं? जलालपुर। आई एम फ्रॉम जलालपुर। आई एम फ्रॉम जलालपुर। पढ़ाई क्या करते हैं? सर अभी तो कुछ दिन में 10th पास की है। I have completed my 10th. I have completed my 10th. From UP Board. From UP Board, 35%. दानिश खान और हमारे दोस्तों के नाम तालिब और अमित, तेरे घर के नाम क्या होता है? राज बोलते हैं इसको। चलिए देखिए, बताना ही चाहेंगे आपसे और केयर किया करिए बोलते समय, है ना? भोजपुरी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, है ना? एकदम स्ट्रेट खड़े हो, सीधे खड़े होते आप बोले, ठीक है ना? और तरीका होता है जैसे कि माय नेम इज, है ना? माय नेम इज आपका जो भी नाम है दानिश, है ना? और आई एम फ्रॉम जलालपुर, है ना? दे आर माय फ्रेंड्स, उनके नाम बताने हैं आपको, जो भी नाम है तालिब और जो भी है ना अमित, तो बताने का तरीका और सिस्टम होता है, ठीक है ना? तो सब तरीके से बताइए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। How are you? How are you? Hello sir, how is your life? Hello sir, how are you? What's going on? How are you? रुका हमारे बच्चा लोग नहीं पढ़ा थे, अब पे आई हैं, कैसे बात कर रही हैं? एक और दानिश, तालिम, राज। बताए रहे अरे बचवा तो गन क्लासी, हमें उम्मीद ना रहा, यही सब उम्मीद करते हो? आप लोग बिल्कुल नर्वस ना हो, बिल्कुल परेशान मत हो, आप जिस संस्थान में आए हैं, अमेरिकन एक ऐसा ब्रांड है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसे भी हम लोग 3 मंथ्स में बहुत अच्छी इंग्लिश सिखा देते हैं। तो आप लोग तो बहुत ही अच्छा, आप लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आप लोग की नॉलेज बहुत अच्छी है, आप लोग की माइंड पावर बहुत अच्छी है, बस उसको यूज कैसे करना है आपको बस ये चीज देखना है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि कल से डेली क्लास करिए और 3 मंथ्स में एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, पूरी गारंटी के साथ मैं आपको वायदा करता हूँ। ओके सर, हम लोग सर मदद करेंगे सर। थैंक यू मोर सर, सर हम लोग की बहुत मदद करेंगे, हम लोग को मदद की बहुत जरूरत है सर। यस प्लीज। जलालपुर राज तालिब एंड दानिश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको सीख कहना चाहूँगा, यदि आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली आप एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, बिकॉज अमेरिकन आपने ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। बट यू मस्ट नीड ऑफ हार्ड वर्क, यू मस्ट बी पंक्चुअल, यू मस्ट मीन्स केयर अबाउट योर जी डी, योर क्लासेज, है ना?
and don't do any nuisance activities here. You must attend class here, okay? Yes, sir.